नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ, वीए से अगर आप इंडिया आते हैं और आपसे किसी भी कंट्री से इंडिया आते हैं, एक वीए का तो एक बात बता रहा हूं मैं, अगर आते हैं तो आपको सबको पता होना चाहिए भाई कि वीए में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, बाकी इंडिया में भी आंकड़े, जैसे बॉम्बे, केरला, इधर दिल्ली वगैरह में आंकड़े बढ़ रहे हैं। इंडिया विदेश मंत्रालय या इंडियन सरकार ये नहीं चाहती कि विदेशों से फिर आने वाले यात्रियों के साथ ऐसी कोई स्थिति हो जाए, इसलिए आपको पता है 22 फरवरी से नियम चेंज कर दिए गए। आप सबको पता ही होगा, कड़ाई के साथ उनका पालन करना होगा, आपको पीसीआर रिपोर्ट तक की लाने की आपको जरूरत है। जी हाँ, यहाँ पे हम बॉम्बे, केरला, चेन्नई या फिर दिल्ली, इधर कर्नाटक, हैदराबाद वगैरह, इधर की ट्राई हम बात करेंगे कि इन राज्यों में सरकार ने क्वारंटाइन के क्या नियम बनाए हैं, आने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, इन चीजों पे हम बात करेंगे। जी हाँ साथियों, आपसे किसी भी देश से आ रहे हैं इंडिया आने वाले, खासतौर से मैं बता दूं, उनको इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे और मैं बता दूं भाई कि अभी जो कोरोना का स्ट्रेन चल रहा है, चेंज हो रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कभी भी कोई भी नियम अस्थायी नहीं है, कभी भी उसमें फेरबदल किया जा सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, मैं जहां तक समझता हूं कि आप वहां से चल के घर आने तक कम से कम 4 से 5 बार आपका कोरोना टेस्ट हो सकता है, आप समझ सकते हैं, हालांकि कोई जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है। अभी हम कुछ राज्यों की बात करेंगे कि वहां की सरकार ने क्वारंटाइन के लिए क्या क्या नियम बनाए हैं, एयरपोर्ट पे आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो स्टार्ट हम कर लेते हैं। आप वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई देखिए, इंडिया में मुझे नहीं लगता दुबई दिल्ली से ज्यादा भीड़ रहती होगी, क्योंकि दिल्ली 8 से 10 स्टेटों को कवर कर लेता है, ठीक है। तो जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये काफी सारे स्टेट हैं वो दिल्ली से आते हैं, आप सबको पता है, इसलिए सबसे ज्यादा व्यस्तम एयरपोर्ट है। यहाँ दिल्ली में सरकार द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, वो आपको जानना जरूरी है, तो गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो यात्रा आने से पहले आपको एक वेबसाइट है, www.new-delhi-airport-in। जी हाँ साथियों, इस वेबसाइट पे आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जी हाँ, SDF जिसको बोल सकते हैं, ऑनलाइन जमा करना होगा, और उसका आपको 14 दिन में आपने वहां पे क्या किया, कहाँ गए, क्या नहीं गया, वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। जी हाँ, और वो आपको फॉर्म कंप्लीट करके उसमें ऑनलाइन आपको चढ़ाना पड़ेगा, ये समझ सकते हैं आप, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप यही आते हैं तो आपको नॉर्मल थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जाएगी यात्रियों, फिर आपको कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। जी हाँ साथी, उनके द्वारा यह चीजें एयरपोर्ट पे बताई गई है। क्वारंटाइन के बारे में हम बात कर लें कि यात्रियों को घरेलू क्वारंटाइन के तहत 7 दिन तक आपको रहने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, 7 दिन आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, यात्रियों को 7 दिन में फिर से आपका परीक्षण किया जाएगा, यदि परीक्षण आपका पॉजिटिव आता है तो आपको वहीं रहने की जरूरत है, अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो आपको घर भेज दिया जाएगा। दिल्ली की भाई ये सिंपल बातें हैं। अभी हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं भाई, महाराष्ट्र में अलग नियम है, महाराष्ट्र में अलग नियम इसलिए कि महाराष्ट्र में आप सबको पता है कोरोना अपडेट ही हो रहा है, डाउन नहीं जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र की आ रहे हैं, महाराष्ट्र किसी भी देश से एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे तो आपको बता दूं, सबसे पहले आपको जो मुंबई आने वाले एयरपोर्ट पे, उससे पहले आपको 72 घंटे पहले की कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपके अपलोड करनी होगी। जी हाँ साथियों, एयर सुविधा पोर्टल आपको सबको पता है, उसी के ऊपर आपको कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो अपलोड करनी होगी, और उसी से आपको एक उसकी प्रति एक कॉपी निकाल के अपने पास में रखनी होगी। जी हाँ, अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपको कोविड रिपोर्ट की रिपोर्ट साथ में लेके आनी है, ये समझ लीजिए। इसको भी एयर सुविधा जो एयरपोर्ट है ना उसके ऊपर पहले से अपलोड करके रखनी है, उसकी एक कॉपी आपके अपने साथ में लेके आनी है। जी हाँ, अगर आप लोकल महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको दूसरे परीक्षण की, आपको जो कोविड टेस्ट है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सुविधा पोर्टल पर आपको एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा निगरानी का एक फॉर्म भरना पड़ेगा, 7 दिन तक आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, इसकी लागत पर 7 दिनों के संस्थागत जो सरकारी है उसके ऊपर आपको सहमति देनी होगी, आपका खर्चा भी लग सकता है उसमें भी आपको सहमति देनी होगी, इस तरह से इसमें बताया गया। अगर आप क्वारंटाइन की बात करें तो महाराष्ट्र के भीतर ही आप रहते हैं तो होटल या राज्य शासित जो सरकार द्वारा फ्री में है उनमें भी आप रह सकते हैं 7 दिन, या फिर होटलों में भी आप 7 दिन रह सकते हैं। 7 दिन तो आपको रहना ही रहना पड़ेगा, 7वें दिन आपका कोरोना टेस्ट होगा, उसका सब भुगतान यानी आपका पैसा लगेगा, उसके बाद कोरोना की रिपोर्ट आप अगर नेगेटिव है
तो आप अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो आप 7 दिन के बाद घर जा सकते हैं। अगर रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो आपको 7 दिन के लिए फिर आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। बस ये आपको, हालांकि ज्यादा है नहीं इसमें, अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो घर जाके 7 दिन आपको क्वारंटाइन रहने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम में लग सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं केरल से रिलेटेड। केरल में आपको पता है आंकड़े बढ़ रहे हैं, बॉम्बे, केरल, दिल्ली, तो इनमें यहाँ पे सख्ताई भी होगी। यहाँ पे एक वेबसाइट है, मैं आपको स्क्रीन पे इसका स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इस वेबसाइट पे, पोर्टल पर आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। आपको अगर वहां से आप आ रहे हैं, खासतौर से वीए की बात करें दुबई की, तो 72 घंटे तक का आपके पास, 96 घंटे भी नहीं चलेंगे भाई, 72 घंटे का आपके पास COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। जी हाँ, वो उसको आपको उसके सुविधा जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको अपलोड करना होगा। जी हाँ, अपलोड करने के बाद आप एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। एयरपोर्ट, केरल एयरपोर्ट पे आपका दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा कोरोना का, उसका टेस्ट बिल्कुल फ्री है, केरल सरकार की तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। जी हाँ, उसके बाद में आपको 14 दिन के लिए, अगर आप यूएई से दुबई से आ रहे हैं तो 14 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, 7 दिन नहीं है, 14 दिन है, ध्यान से सुन लीजिए। मुखर यानी ज्यादा इमरजेंसी वाले हैं, जो आपको पता है जिनके घर में कोई मौत हो चुकी है, बीमार है वगैरह वगैरह, उनको होम क्वारंटाइन की अनुमति मिल जाएगी, जो लिखित में आपको अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा, वो आम आदमी के लिए नहीं होगा। जी हाँ, आने के बाद 7वें दिन आपका परीक्षण, आपका टेस्ट है वो लिया जाएगा, 6 या 7 दिन के बाद में आपका कोविड टेस्ट लिया जाएगा, उसमें अगर आप नेगेटिव आते हैं, जी हाँ, तो आपको 7 दिन का बाद में आप चाहो तो वहां पे रह सकते हैं क्वारंटाइन के लिए, चाहो तो आप अपने घर जा सकते हैं, ये कोई अनिवार्य नहीं है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। और जिन लोगों का मान लो टेस्ट नहीं लिया जाता है, उनको 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा, क्वारंटाइन का टाइम है वो पूरा करना पड़ेगा, ये केरल का नियम है भाई, ज्यादा हालांकि नॉर्मल ये कोई ज्यादा नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं कर्नाटक से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आप कर्नाटक एयरपोर्ट पे आते हैं, खास तौर से यूएई से, ये नियम लगभग यहाँ पे यूएई के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि यूएई में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इन चीजों को सख्ताई से लागू किया जाता है। जी हाँ, एयरपोर्ट के ऊपर जैसे आप लैंड करेंगे तो आपको अनिवार्य रूप से आपकी जांच की जाएगी। जी हाँ, जांच का मतलब आपके कोई रोग तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले से अगर आपके पास कोई रोगी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो आपको अन्य यात्रियों से अलग कर लिया जाएगा। जी हाँ, उसके बाद आपको कोविड सेंटर भेज दिया जाएगा, अलग से कोई भी बीमारी है तो उनकी जांच करने के लिए। मान लीजिए आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 14 दिन के लिए, आपको 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन की जाएगा। जी भाई, सरकार द्वारा आपको 14 दिन रखा जाएगा। अगर आपका, आपके लक्षणों को गंभीरता के आधार पर आपका रिजल्ट, अगर आपका मान लीजिए पॉजिटिव नहीं आता है, अगर पॉजिटिव आने पे आपको 14 दिन के लिए सरकार द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पे आपको रखा जाएगा, उसमें आपकी जांच की जाएगी। खास तौर से जो अमीरात, यूएई से जो आ रहे हैं, गल्फ कंट्रीज से आ रहे हैं, उनके ऊपर की मैं नियम बता रहा हूं, पर ज्यादा इसमें कर्नाटक वाले में कुछ नहीं है भाई, आपकी जांच की जाएगी, 14 दिन आपको क्वारंटाइन किया जाएगा, जांच में अगर आप नेगेटिव है तो आपको घर भेज दिया जाएगा, इतना कोई ज्यादा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु से रिलेटेड भी भाई सेम ही है, कर्नाटक और तमिलनाडु तो वैसे भी एक तरह भाई भाई की तरह ही है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। खास तौर से जो यूएई से जो लोग आते हैं उनके एकदम 100% उनकी सबकी जांच की जाएगी। जांच के आधार पे जो भी निर्णय आता है, अगर पॉजिटिव है तो उसको आ जाओ जी, इधर नेगेटिव है तो जाओ जी, बस सिंपल सा है, 14 दिन की उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसी भी है उनको एडमिट करवा दिया जाएगा, बाकी नेगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं, 14 दिन आपको अपने घर में रहने की सलाह दी जाएगी। बट दैट सिंपल, इतना सही है भाई, जैसे कोई ये छोटी मोटी अपडेट थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, खास तौर से बी के लोगों के लिए। जी हाँ, और जैसे कोई अपडेट आती है हम आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।